है उसका यूज़ करके कुछ डिफरेंस का सोचो क्या बना सकते हैं और, ठीक है। अच्छा दे रखा है वो स्टोरी वाला, हाँ हाँ मतलब वो भी, हाँ एक तो थर्स्टी ग्रो वाला, एक वो सीन दिखा था ना वो कुछ कोई बर्ड है और वो कुछ भी छोटा सा इंटरसेक्ट मुंह में लेकर के उड़ रहा है उस तरीके। थर्स्टी ग्रो में कैसे कर दोगे वो, तो थर्स्टी ग्रो तो प्यासे कभी वाली कहानी दिखाओगे ना उसमें, बात हुई कैसे हो जाएगी, सीन अलग बनाने पड़ेंगे ना, सीन अलग हो गया एनिमेशन अलग हो जाएगी। हाँ वैसे दिखाया ना, ये अलग स्टोरी होगी वो अलग होगी, वो तो थर्स्टी ग्रो वाली अलग हो जाएगी। नाम अपने डिफाइन कर लेना जो आपको नाम देना हो। चलो देखो इधर मैं भी एक सिंपल सा करेक्टर बना रहा हूँ। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ जैसे एक स्माइली सा जो करेक्टर मैं वो बना रहा हूँ और फिल, ठीक है आउटलाइन में कलर दे दिया, फिल कलर नो फिल। आप क्या अपने मॉड्यूल लाने वाले थे? ठीक है मैंने 5, 4 ले थ्री, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया सर्कल, इसको फ्लिप कर लेते हैं, मॉडिफाई, हाँ जी फ्लिप, हाँ जी हाँ हाँ ठीक है। अब मुझे अभी फिलहाल आईज़ में एनिमेशन दिखाना है तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ अलग, अच्छा पूरी को मैं ऐसा कर रहा हूँ मूवी क्लिप में नहीं, मूवी क्लिप नहीं भारी बनाते हैं, इसको मैंने अलग ले पे सेव कर लिया, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। अब मुझे आईज़ ब्लिंकिंग की तो कंटिन्यूसली दिखानी है तो इसको हम क्या कर लेते हैं मूवी क्लिप के अंदर बना लेते हैं सिर्फ आइज़ वाली को, ठीक है। तो मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, F8 कन्वर्ट टू मूवी क्लिप एंड ओके एंड गो टू इनसाइड मूवी क्लिप, ठीक है उसके अंदर जाना और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको एनिमेट करेंगे तो ये मैं यहाँ रखता हूँ। मैंने पेन टूल, अब जैसे इस पे हमारा ये हो गया इस लेयर पे, मैंने एक और न्यू लेयर लिया इसको लॉक कर दिया और यहाँ पे मैं इसकी पलके बनाऊंगा जो एनिमेट होंगे, ठीक है। तो ये मेरी हो गई पलके, हाँ
फिल में इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इसको ठीक करना है, ठीक है। तो इस फ्रेम पे ही मैंने इतना रखा, और ठीक उसके अगले फ्रेम पे F6 नीचे वाले को, F5, और यहाँ इसको मैं हाफ नीचे कर दूंगा। तो एक और मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऐड एंकर पॉइंट, ऐड डाई सिलेक्शन से लगभग इतना, इसको हैंडल से ऐसे, यानी और ऐड करने पड़ेंगे, एक यहाँ, ठीक है। एक और F6, और अब इसको बिल्कुल नीचे रख देना है, मूव नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे CR करना है, कैसे करूँ? जैसे करते हैं उसको छोड़, दूसरा देख लो, फिर बता रहा हूँ मैं भी। सब तो वैसे ही है। ट्राई करो कैसे होगा, ट्राई करके देखो, मैं बता रहा हूँ अभी, ट्राई करो। इसमें जब ना ये वाला आइकन आए फिर आपने मूव करना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं बैक आ जाऊँगा और इसकी कॉपी लेके इस तरफ रख दूँगा ओनली, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम होगी, मैंने इसलिए एक ही बनाया था पहले। और इसको जस्ट फ्लिप कर देना है, तो मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म, तो ये हो गया। और यहाँ से नोज़ की शेप बना लो आप ऐसे रफली, तो ये हमारा करेक्टर। अच्छा, इसको कट किया, इस वाले लेयर पे पेस्ट कर दिया। नाउ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, अभी अंदर चलते हैं। एक ही फ्रेम का मैंने यहाँ गैप दे दिया, थोड़ा सा स्लो हो। उसके बाद ये होने के बाद फिर आगे खुलना भी चाहिए, मैंने खुलने वाला तो रखा ही नहीं। या ऐसा करो, नहीं गैप मत दो। अब इस दोनों फ्रेम को मैंने कॉपी फ्रेम और यहाँ पेस्ट फ्रेम, और दोनों को कर दो रिवर्स, ठीक है। तो ये पहले ऐसे ऊपर नीचे बंद हुआ, फिर ये खुल गया। अब कितने तक खुला रहना चाहिए, एकदम से बल्कि बंद होंगे नहीं। अब मैंने कुछ फ्रेम का गैप ले लिया, F5 कर दिया, यानी इतने फ्रेम तक खुली रहे, ठीक है। या और थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा कम कर दिया। फिर मैंने इस सीट को सिर्फ कॉपी फ्रेम और ठीक यहाँ से पेस्ट फ्रेम, ठीक है, यहाँ F5। और कितने तक ये स्टिल रहे, ये यहाँ तक F5 रहे, ठीक है। तो मैंने ये इतना दिखा दिया बस, अब कंटिन्यूसली वो होता जाएगा। आ रहे हैं अभी, 6:30 तक बोला है, हाँ आ रहे हैं, बैठो, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमेट होता रहेगा, और रैंडमली देना होता, और क्या कम ज़्यादा कर दो गैप, बाकी तो लूप ही है। हाँ
मतलब तो करेक्ट टाइम तो ऐसे ही होगा, करेक्ट टाइम तो बनाना पड़ेगा। जैसे आप करेक्टर जब बनाओगे तो उसका हर एक अलग अलग पार्ट बनेंगे ना। अब जैसे आपने ये क्या किया, एक फेस का पार्ट है, उसमें भी हम क्या करेंगे अलग से मूवी मूवी क्लिप के अंदर बना देंगे। हाँ वही आइस को सेलेक्ट है उसके मूवी, क्यों उसका आइस तो है ना, आइस ही बन जाए। जैसे इसका बनाए वैसे हर एक प्रोसेस रहेगा किसी भी करेक्टर को बनाओ। अब जैसे अभी क्या हो रहा है कि हमें इस यहाँ स्टिल रखा है, आपको अगर एनिमेट मान लो मूव भी हो रहा है सपोज, अगर मूव भी करना तो क्या करोगे, तब इसके यहाँ नहीं बनाएंगे मूवी क्लिप के अंदर बनाएंगे उसको फिर। यानी सपोज अगर मुझे इसका मूव भी होते हुए दिखाना है, इस ब्लिंक होते हुए भी दिखाना है ना, ऐसे कुछ दिक्कत आएगी और क्या। करेक्टर पे जैसे सब पे करना है वैसे इस पे हो जाएगा, कोई अलग से कंसेप्ट थोड़ी लेके आओगे हर एक के लिए। अब सपोज मुझे मूव भी करना है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी मैं मूवी क्लिप के अंदर डाल दूंगा। जैसे मैंने भी क्या किया, सिर्फ इसको मूवी क्लिप बनाया ना, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले पार्ट को भी उस वाले के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। कैसे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कट किया, मूवी क्लिप के अंदर गए, एक पार्ट छूट गया, ये सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड कट, इसके अंदर गए, ठीक है, और यहाँ बाहर न्यू लेयर पे या कहीं पे भी फिर पेस्ट इन प्लेस कर दिया, पेस्ट कर दिया, एक सेकंड, दोनों करो, ये है मान लो, ठीक है। अभी मेरा ये आईज वाला पोर्शन अलग है, ठीक है, ये अलग है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको मैंने अगेन मूवी क्लिप बना लिया, F8 मूवी क्लिप, और इस वाली लेयर को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी लेयर, और इसके अंदर जाके, ठीक है, न्यू लेयर पे, या वैसे लेयर कॉपी की है तो डायरेक्टली पेस्ट लेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको उसके हिसाब से रख दो, फिर बराबर बाहर आ गए, इस लेयर को मैंने डिलीट कर दिया, इससे क्या हुआ अब इस लेयर पे पूरा एक हो चुका है, ठीक है, इस लेयर की मुझे जरूरत नहीं है। अब इसको मूव भी कराना है, पूरा एक साथ है ही, अब मूव भी करा लो, जैसे आपको चलता वो चल रहा था, आगे F6 किया, इसको मूव करा दिया, क्लासिक, ठीक है, आइस ब्रिंकिंग भी हो रही है, मूव भी हो रहा है, बट वो एक लेयर रखनी पड़ेगी। अब जो उसके अंदर ही कार्रवाई है वो उसके अंदर करनी पड़ेगी। अब मैंने वही काम यहाँ किया, मतलब क्या ये है ना, अलग इस पे है आईज, अलग पे है, सिंपल सा कंसेप्ट, हाँ आईज ब्लिंक। फिर जैसे मुझे लिप्स की भी मूवमेंट करनी है तो लिप्स अलग ले, अभी तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने सिर्फ आईज को अलग ले पे रखा, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ आईज में एनिमेशन दिखाया, यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको जिस चीज़ में एनिमेट करना है वो अलग लेयर पे होगा, ठीक है, बाकी मूवी क्लिप पे अंदर हो या बाहर हो वो मैटर नहीं करता, वो तो आपको सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे यहाँ मूव भी कराना था, अगर हाँ मूवमेंट देनी है उसके अंदर तो फिर आपको अंदर बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ताकि सब उसके अंदर एक जगह रहे। अब मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, लिप्स को मैं अलग कर लूँगा, ठीक है, उसको कट किया, न्यू लेयर, पेस्ट इन प्लेस, अब यहाँ लिप्स का, अब इस पर अलग एनिमेट कर लेंगे, तो बाहर जब जाएंगे जो भी एनिमेट करेंगे मूव करेंगे सारा एक साथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेक्टर एनिमेट कर सकते हो। लिपसिंग के लिए क्या करना है आपको, बेसिकली वो ये बस ऊपर नीचे करना है आपको लिप्स, इसमें इसके अंदर गया, ये मेरा है लिप्स का, सॉरी, तो ये लिप्स का है या इसका है, ठीक है। अब इसको भी मुझे कंटिन्यू से बोलते हुए दिखाना है, तो अब मैं इसको दोबारा क्या करूँगा, मूवी क्लिप में कन्वर्ट करूँगा, यानी अभी मूवी क्लिप के अंदर है ऑलरेडी, ठीक है, मैं एक बार F8 सॉरी मूवी क्लिप बना लिया, अब इसके अंदर जाके यह एनिमेशन दे दो, ठीक है, यहाँ मैंने इसका सपोज पहले ही लिप्स ऐसे बनाया,
सुन के देख लें थोड़ी सी, ये क्या कह रहे हैं सुन लेना एक बार, ठीक ये है एप सिक्स। जैसे हमें ना थोड़ा सा पहले बनाना पड़ेगा, जैसे हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है, तो क्या हमें क्या मुंह खुल गया, हो बंद हो गया, तो वो हमें वैसी पोजीशन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू वॉइस, है ना। कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा, तो उस हिसाब से आपको पहले अपनी मूवमेंट देखनी पड़ेगी कैसे है, उस हिसाब से फिर आपको प्रॉपर अगर जितना रियलिस्टिक दिखाना है, ठीक है, तो आपको शीशे में खड़े होकर अपनी देखना, डायलॉग बोलना और अच्छे से ऑब्जर्व करना या रिकॉर्डिंग कर लेना, आप अपनी खुद की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो वॉइस की, जैसे हम बोले कहाँ जा रहे हो तो वॉइस में यहाँ देखते रहो, उसके हिसाब से मूवमेंट करते रहो, ठीक है। तो मैं ऐसे रफली भी कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किया नेक्स्ट फ्रेम पे, इसमें आप अंदर कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, प्रॉपर बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है, इलस्ट्रेटर से, और उसकी कर दिया फिर F6, यहाँ ये पूरा बंद हो गया मूस का, ठीक है, मैंने ऐसे रफली कर दिया, ठीक है। और ये मैंने क्या किया फिर, कॉपी पेस्ट फ्रेम, इसको मैंने कर दिया रिवर्स फ्रेम, ठीक है, इस तरीके से कॉपी फ्रेम पेस्ट फ्रेम कंटिन्यूस, ने एक सेकंड तक कुछ बोला नहीं, वैसे हमारा क्या फ्रेम रेट है अभी, कंट्रोल जे 24 फ्रेम। तो मैंने क्या किया इस बार, यहाँ से 20 तक है ना, और मैंने कॉपी कर लिए एंड फेस पे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी फ्रेम फेस फ्रेम, ठीक है ना, ये इस तरीके से होगा। फिर कुछ देर तक चुप रहा, मतलब जो भी लास्ट पोजिशन हमारा ये है, तो यहाँ पर के कुछ देर तक वो सुना उसने दूसरे पार्टी की, फिर इसने अपना व्यू देना शुरू कर दिया, कॉपी पेस्ट कॉपी फ्रेम पेस्ट फ्रेम, ठीक है ना। तो मैं बाहर आके यहाँ लगता है, ठीक है, उसे चाहते हो कि तक वहाँ स्टिल रहे, बढ़ा दो, ठीक है, तो अपना ही हो जाएगा। अब पीछे म्यूजिक लगाना है, जैसे आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करोगे, पहले रिकॉर्डिंग कैसे में भी कर लो, ठीक है, नॉर्मल माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप, और साउंड फोर एक सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, करेंगे वैसे हम लोग। तो अभी आप टेम्परेरी क्या करना, एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं आपको बता दूँ, हर एक सॉफ्टवेयर में आता है, एसेसरीज में जाना और यहाँ पे माइक आता है, इसमें रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। और यहाँ अब डालोगे कैसे, मैं फाइल पर गया और यहाँ पर मैं इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी, इसमें वैसे डायलॉग होगा नहीं वैसे तो, देख लेते हैं कहाँ इसमें,
वीडियो भी डाल सकते हैं। हाँ सॉन्ग डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी तो आएगी इसमें। ठीक है, मैं जैसे इस साउंड में क्या नॉर्मल कोई भी आपको डाल के दिखाया था, जैसे मेरे पास यहाँ डी में ठीक है, इसमें से मैंने कोई भी डाल दिया अभी लाइक सॉन्ग एक ओपन, तो ये भी क्या है लाइब्रेरी में आ गया होगा, कंट्रोल एल करोगे यहाँ पे ही आ गया है। ठीक है, इसको लाने के लिए क्या करेंगे, मैं उसके अंदर गया जहाँ तक मेरे को चाहिए लिपसिंग, लिपसिंग के अंदर गए, ठीक है, इसके अंदर गए और यहाँ एक न्यू लेयर, ठीक है, और यहाँ उसको इंपोर्ट कर दोगे आप, यानी ड्रैग कर दोगे तो ये अपने आप आ गया। अब सॉन्ग एक्चुअली आपको इतना अलग अलग बोलने पड़ेंगे, लाना पड़ेगा अभी इसके, क्या हो ना देखो यहाँ पे, यहाँ लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, अब यहाँ बोलेगा वो तो आपको उस हिसाब से बोलना पड़ेगा, जैसे कितने फ्रेम कितने सेकंड तक आपने बोला, जैसे आपने बोला कुछ भी आपने बोला मान लो वो एक सेकंड तक है तो आपको अलग अलग वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सेकंड तक क्या किया, यहाँ रख दिया, एक यहाँ तक अपने आप आ जाएगा एक सेकंड तक, फिर दूसरा जो आपने डायलॉग बोला होगा वो जहाँ से जहाँ तक दिखाना होगा उसके वहाँ से वहाँ तक होगा। अभी क्या होगा देखना, कुछ ऐसा आएगा अभी तो निकालना पड़ेगा।